हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी कुकिंग विद मम्मी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल दाल बनाना सिखाऊंगी जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो ये देखिएगा, इसके लिए मुझे प्याज चाहिए और एक सूखा मिर्च चाहिए। मिर्च आप अपने फैमिली मतलब बच्चे के हिसाब से ले सकते हैं। अगर बच्चे खा रहे हैं तो कम लीजिए और बड़े खा रहे हैं तो दो पीस ले लीजिए। आपको जैसा तीखा पसंद है यूज़ कर सकते हैं। ये मसूर दाल है जिसको मैं धो कर के रखी हूँ। सबसे पहले मुझे कुकर में तेल डालना है और तेल अच्छा गर्म हो जाए तब तक मुझे मिर्च डालना है और प्याज डालना है। प्याज में एक बड़े साइज का प्याज ली हूँ क्योंकि प्याज से अच्छी टेस्ट बढ़ती है दाल में। इसे लाल होने के लिए भूनना है, हमें इसको वेट करना है जब तक ये लाल होता है। ये देखिए हमारा प्याज लाल हो चुका है। इस स्टेज पे हमको दाल ऐड करना है। देखिए दाल को दो चार बार भूनने के चलाने के बाद वो भून गया है। अब हमें इसमें नमक डालना है। नमक डालकर इसको गलने तक का पानी डालना है। अब मुझे इसे सीटी लगाकर गलने तक का वेट करना है।